हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम जो कृषि संस्थान है अपने भारत में, जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम महाराष्ट्र में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, ठीक है। एक ही लाइन में हम सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के एक ही लाइन में याद कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने दिल्ली, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो सब कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 50 के समथिंग है। तो 50 के नाम हम 5 ट्रिक में आसानी से याद कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे कॉर्नर में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता है एग्जाम में कोई सा भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो जाओ, ICAR, JET, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर SRF, JRF, जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आता है कि ये वाला संस्थान कहाँ है, ये वाला रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ रहे हैं। तो आज हम महाराष्ट्र का पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 5 राज्यों के कर चुके हैं, दिल्ली, राजस्थान, MP, UP और पंजाब का, ठीक है। आज हम महाराष्ट्र का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृषि संस्थान महाराष्ट्र, ठीक है। पहला है हमारा जो महाराष्ट्र में स्थित है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सिरकोट, ठीक है। सिरकोट फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में आता है, ठीक है, सबको पता है। और दूसरा हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CICR नागपुर में स्थित है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ठीक है। ये टोटल सब जितने भी है ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये 9 के 9 महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा हमारा राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव में, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, ठीक है। ये कौन सा है, तीसरा राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ठीक है, अजैविक। और एक होता है अपना राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्था, अजैविक और जैविक का फर्क है, एबायोटिक और बायोटिक का, ठीक है। तो ये जो अजैविक है ये कहाँ स्थित है, मालेगांव महाराष्ट्र में, और एक जो अपना जैविक वाला है वो दूसरा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसको छत्तीसगढ़ वाले स्टेट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमें अजैविक पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। अजैविक वाला है मालेगांव महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चौथा हमारा केंद्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नागपुर, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोई भी हमेशा अगर संतरे से रिलेटेड, सिट्रस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा संतरे कहाँ होते हैं, कौन से स्टेट में, कौन सा स्टेट सबसे आगे है, तो कौन सा स्टेट होगा हमारा, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा संतरे कहाँ के फेमस है पूछेगा तो नागपुर, क्योंकि नागपुर के संतरे पूरे ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन में भी फेमस है, ठीक है। पांचवा है हमारा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, NBSSLUP नागपुर में स्थित है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है NBSSLUP की, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सिक्स है हमारा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे में स्थित है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। सातवा हमारा राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र NRCP, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमन ग्रेट सोलापुर स्थित है। आठवां हमारा प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय DOGR, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, राजगुरु नगर महाराष्ट्र में स्थित है। नौवां है लास्ट हमारा महाराष्ट्र में पुष्प खेती अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ फ्लावर रिसर्च पुणे में स्थित है, ठीक है। ये 9 के 9 हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। इसको याद करने की आसान ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी है वो देखते हैं। ट्रिक है हमारी, महाराष्ट्र सरकार गांव के किसानों का स्ट्रेस कम करने के लिए, स्ट्रेस मतलब टेंशन या तनाव जो होता है कम करने के लिए, भूमि का उपयोग करके उस पर अंगूर, अनार, नींबू, प्याज व लहसुन, कपास एवं पुष्प की खेती कर रही है, ठीक है। जो ये सेंटेंस है बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, एग्रीकल्चर में यूज भी होता है, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स में भी यूज होता है। तो हिंदी में एक सेंटेंस होता है, उसी प्रकार से हमने ट्रिक को भी डिजाइन किया, कॉमन वर्ड लिए ताकि हमें आसानी से याद हो और ताकि सारे के सारे ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हमें एक ही लाइन में याद रहे और कौन से स्टेट में है ये भी याद रहे, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार गाँव के किसानों का स्ट्रेस कम करने के लिए भूमि का उपयोग करके उस पर अंगूर, अनार, नींबू, प्याज व लहसुन, कपास एवं पुष्प की खेती कर रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार से हो जाएगा हमारा स्टेट महाराष्ट्र,
ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार से हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र स्ट्रेस स्टेट सॉरी, और स्ट्रेस से हो जाएगा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से हो जाएगा अजैविक स्ट्रेस, राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान NIASM मालेगांव में, ठीक है, एक ही हो गया। फिर दूसरा हमारा भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग से क्या हो जाएगा, भूमि उपयोग, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो NBSSLUP, ठीक है। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला है हमारा भूमि का उपयोग करके उस पर अंगूर, अंगूर से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अनार से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, ठीक है। नींबू से हो जाएगा हमारा केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान नागपुर, ठीक है। प्याज व लहसुन से हो जाएगा हमारा प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय, कपास से हो जाएगा हमारा, कपास से हमारे दो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होंगे, कौन कौन से, एक तो है सिर्फ केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान और दूसरा है हमारा केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। दो है हमारे कपास से केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूजन में एग्जाम में कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, उनमें और ये दोनों ऑप्शन दे देता है, मुंबई और नागपुर, इनमें से पूछ लेता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कौन सा है, तो कपास के नाम से हमें दो याद रहते हैं मुंबई और नागपुर, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो कपास से हमारे दो है, कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है और कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो कपास से हमारे हो गए दो संस्थान। पुष्प की खेती कर रही है, ठीक है, पुष्प की खेती से हो जाएगा पुष्प खेती अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो ट्रिक से हमारी 9 के 9 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट याद हो गए, क्या ट्रिक, महाराष्ट्र सरकार गाँव के किसानों का स्ट्रेस कम करने के लिए स्ट्रेस से हो जाएगा हमारा अजैविक स्ट्रेस, ठीक है। भूमि का उपयोग से हो जाएगा मृदा सर्वेक्षण, भूमि उपयोग उपयोग करके उस पर अंगूर अनार, अंगूर से हो जाएगा अनारसी पोमग्रेनेट, अनार से हो जाएगा सॉरी अनार से हो जाएगा अनारसी पोमग्रेनेट, अंगूर से हो जाएगा अनारसी ग्रेप्स, नींबू से हो जाएगा हमारा सिट्रस, प्याज व लहसुन से हो जाएगा ओनियन एंड गार्लिक, कपास से हो जाएगा कॉटन से कॉटन, कॉटन दो है, कपास अनुसंधान संस्थान और कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। पुष्प की खेती से हो जाएगा हमारा पुष्प की खेती अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने एक और स्टेट कंप्लीट किया है, सातवां कृषि संस्थान कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिर्फ दो ही एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है गन्ना प्रजनन संस्थान SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक होता है हमारा IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कहाँ पे स्थित है, लखनऊ UP में, जो हम उत्तर प्रदेश के स्टेट में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक है हमारा गन्ना से रिलेटेड, वो भी गन्ना है ये भी गन्ना है, कंफ्यूज नहीं होना, गन्ना प्रजनन संस्थान SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोयम्बटूर, ठीक है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ठीक है, त्रिचनापल्ली। आपको पता होगा तमिलनाडु में लगभग जो प्रोग्राम होते हैं उसमें केले के पत्ते यूज किए जाते हैं, उस पर खाना खाया जाता है, ठीक है। तो उस केले के पत्तों से साउथ में हम याद कर सकते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु से राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र NRCP त्रिचनापल्ली में, ठीक है। ये दो जो है हमारे इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो जाएंगे, एक गन्ना प्रजनन संस्थान SBI कोयम्बटूर और एक और गन्ना जो है तमिलनाडु में है सॉरी यूपी में है उत्तर प्रदेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है। दूसरा हमारा NRCB राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना त्रिचनापल्ली में, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।